दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे पार्ट दो के सभी प्रश्न उत्तर जो कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण हैं। मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं का पार्ट दो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न से। सबसे पहले आपको अति लघुत्तरी प्रश्न पर ध्यान देना है कि जो अति लघुत्तरी प्रश्न हैं वो कौन कौन से हैं और उसके उत्तर आपको किस प्रकार से लिखने हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो प्रश्न है हमारा वो इस प्रकार है। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान रखें आप सभी। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सखी प्रातःकाल किसके द्वार पर जाती है? तो उत्तर में आप लिखेंगे कि सखी प्रातःकाल अवधेश दशरथ जी के द्वार पर जाती है। ठीक है, अवधेश दशरथ जी के द्वार पर जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक राम किस वस्तु को मांगने की हट करते हैं? जो बालक राम हैं वो किस वस्तु को मांगने की हट करते हैं? तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे कि बालक राम चंद्र खिलौना की मांग करते हैं। किसकी मांग करते हैं? चंद्रमा। ठीक है, मतलब चंद्र खिलौना उसकी मांग करते हैं। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चे की आंखों की तुलना किससे की गई है? ये 2018 में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो बच्चे की आंखों की जो तुलना है वो तितली के पंखों से की गई है। बच्चे की आंखों की तुलना तितली के पंखों से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुलसीदास जी के मन मंदिर में सदैव कौन विहार करता है? तो तुलसीदास जी के मन मंदिर में भगवान राम की छवि विहार करती है। उत्तर में आप लिखेंगे तुलसीदास जी के मन मंदिर में भगवान राम की छवि विहार करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ईश्वर ने रोगों को दूर करने के लिए मनुष्य को क्या क्या दिया है? तो इसके उत्तर में आप बताएंगे, ईश्वर ने रोगों को दूर करने के लिए मनुष्य को जड़ी बूटी एवं औषधियां दी है। ठीक है, ये तो हुए हमारे अति लघु उत्तरी प्रश्न। अब हम बात करते हैं लघु उत्तरी प्रश्नों की। लघु उत्तरी प्रश्न में हमारा सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों कि सखी ठगी सी क्यों रह गई? जो सखी है वो ठगी सी क्यों रह गई? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, सखी भगवान राम की बाल छवि को देखकर दंग रह जाती है। ठगी सी रहना मतलब होता है दंग रहना। तो सखी भगवान राम की बाल छवि को देखकर दंग रह जाती है। राजा अपनी गोद में जब उन्हें खिलाते हैं तो उनकी छवि को देखकर सखी ठगी सी रह जाती है। ठीक है, उत्तर में आपको लिखना है, जो पहला प्रश्न है उसके उत्तर में, सखी भगवान राम की बाल छवि को देखकर दंग रह जाती है। राजा अपनी गोद में उन्हें जब खिलाते हैं तो उनकी छवि को देखकर सखी ठगी सी रह जाती है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है लघु उत्तरी प्रश्न, माताएं बालक राम की कौन सी चेष्टाओं से प्रसन्न होती है? ये 2014 में पूछा गया था, 2014 की जो वार्षिक परीक्षा है उसमें पूछा गया था। तो इसके बाद में स्टार्ट करते हैं दोस्तों दूसरा प्रश्न, माताएं बालक राम की बाल सुलभ चेष्टाओं को देखकर प्रसन्न होती है। कभी बालक राम चंद्र खिलौनों की मांग करते हैं तो कभी स्वयं का ही प्रतिबिंब निहार कर डरने लगते हैं। कभी ताली बजाकर नाचने लगते हैं तो कभी बाल हट करने लगते हैं, जैसे कि जो बालक हैं वो बाल हट करते हैं दोस्तों। तो इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, बालक राम का मुख सौंदर्य कैसा है? जो बालक राम है उनका जो मुख सौंदर्य है वो किस प्रकार का है? तो ध्यान रखें दोस्तों आप सभी, बालक राम का मुख सौंदर्य कैसा है? बालक राम का मुख सौंदर्य अनुपम है। उनका मुख कमल के समान है, घुंघराले बाल हैं, दांत बिजली के समान चमकदार हैं। दांत किस प्रकार के? बिजली के समान चमकदार हैं। उनके गले में मोतियों की माला है, गालों पर लटे लटक रही है, कानों में सुंदर कुंडल सुशोभित हैं। उनके होंठ नवीन पत्तों के समान कोमल हैं। ठीक है, आपको उत्तर में लिखना है दोस्तों ये यहाँ से लेकर के तो ये पूरा। ठीक है, बालक राम का जो मुख सौंदर्य है वो अनुपम है। उनका मुख कमल के समान है, घुंघराले बाल है, दांत बिजली के समान चमकदार हैं। उनके गले में मोतियों की माला है, गालों पर लटे लटक रही है, कानों में सुंदर कुंडल सुशोभित है और उनके होंठ नवीन पत्तों के समान कोमल हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बच्चे के रेशमी बालों को कवि अपनी हथेलियों से क्यों स्पर्श करना नहीं चाहता है? कि जो कवि हैं वो बच्चों के जो रेशमी बाल हैं उनको अपनी हथेलियों से स्पर्श क्यों नहीं करना चाहता है? ये 2014 में पूछा गया प्रश्न था, ध्यान रखें आप सभी। ठीक है, इसके उत्तर में आप लिखेंगे, कवि बच्चे के रेशमी बालों को बिवाई मतलब कि फटी हुई वाली पथरीली हथेलियों से स्पर्श नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसे डर है कि फटी हुई चमड़ी में उलझकर कोई बाल, कोई रंगीन मंसूबा, कोई कामयाब भविष्य टूट ना जाए, अर्थात वह अपनी दुर्दशा दुरावस्था को उसके स्वर्णिम भविष्य के मार्ग में बाधा नहीं बनने देना चाहते हैं।
इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट दीर्घ उत्तरी प्रश्न की। ठीक है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न दोस्तों आपको लिखना है, अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करना है और याद करना है। तुलसीदास ने बालक राम के किस स्वभाव का चित्रण किया है? तो तुलसीदास ने बालक राम के किस स्वभाव का चित्रण किया है, तो उसमें आप लिखेंगे तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम बाल्यावस्था में कभी हट करके चंद्रमा मांगते हैं तो कभी स्वयं का ही प्रतिबिंब निहार कर डर जाते हैं, कभी ताली बजाकर नाचकर सभी माताओं का मन मोह लेते हैं तो कभी ऋषिया कर हट करने लगते हैं। उनका स्वभाव बहुत हठी व साथ साथ मृदुल है। वे अपनी सुंदर मोहक बाल चेष्टाओं से सभी का मन मोह लेते हैं। उनके स्वभाव में बालहट की सर्वाधिक झलक दिखाई देती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके उत्तर में आप लिखेंगे तुलसी ने बालहट का स्वाभाविक चित्रण किया है, इस पंक्ति को पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए। कौन सी पंक्ति को? तुलसी ने बालहट का स्वाभाविक चित्रण किया है इसको। तो इसके उत्तर में दोस्तों आप लिखेंगे कि तुलसीदास ने बालहट का स्वाभाविक चित्रण किया है। भगवान राम बालहट करते हुए चंद्र खिलौने की मांग करते हैं। माँ, मुझे वे चंद्र खिलौना ही दीजिए जो आकाश में दिखाई दे रहा है, मैं उसी से खेलूंगा। उनकी इस हट से माताएं भी सोच में पड़ जाती है कि कैसे उनके इस हट को वे पूरा करें। तुलसीदास जी ने उनके बालहट का सजीव वर्णन किया है। दोस्तों इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हरि नारायण व्यास ने अपने ख्यालों की किन कमियों की ओर संकेत किया है? जो हरि नारायण व्यास हैं उन्होंने अपने ख्यालों की किन कमियों की ओर संकेत किया है, तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे दोस्तों कवि ने इस कविता में अपने ख्यालों की जो कमियां हैं उनका जिक्र किया है कि मेरे ख्याल इतने खूबसूरत नहीं हैं कि वे किसी के सपनों का आधार बने। मेरे ख्याल दुनियादारी की लपटों में झुलस गए हैं, बार बार मिली असफलता से ये लहू लुहान है। मेरे ख्यालों में ऊर्जा का संचार नहीं है, ये किसी को प्रेरणा नहीं दे सकते। मैं संसार में निरंतर जूझते रहने से हताश हो गया हूँ, इसलिए मेरे विचार भी नकारात्मक हो गए हैं, उनमें हताशा आ गई है। दोस्तों ये था कक्षा दसवीं का, किसका? कक्षा दसवीं एमपी बोर्ड है दोस्तों, ये ध्यान रखना है कक्षा दसवीं का। इसमें आपको पाठ दो के प्रश्न उत्तर पूरे बता दिए गए हैं दोस्तों। एक जो और प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या करनी है, तो वो अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।